प्यारे सिखियार्थियों, जिमें कि मैं थानू पहले जिहड़ी है पार्ट वन दे विच डेफिनेट स्टेयर पार्ट वन दे विच जिहड़ा प्लान बनाउणा सिखाया सी, उस तों बाद अज जिहड़ा मैं थानू बैफोकेट स्टेयर की जी है सैक्शनल व्यू और एलीवेशन जिहड़ा वो थानू सिखाऊंगा। सो सब तो पहले बैफोकेट स्टेयर का एलीवेशन और सैक्शनल व्यू बनाने लई सब तो पहले एक जी होरिजेंटल लाइन ली जाती है। होरिजेंटल लाइन लैण तो बाद जिहड़ा साडे कोल प्लान पहले ड्रा होया है उस प्लान दे असीं जिहड़े आ होरिजेंटल और वर्टिकल प्रोजैक्शन जिहड़े आ लैणे आ तां जो साडा जिहड़ा बैफोकेट स्टेयर का एलीवेशन सैक्शन व्यू जिहड़े आ दोनों फ्लाइटां दा सैक्शन व्यू जिहड़े आ बन सकन। तो सब तो पहले असीं की करांगे, एक होरिजेंटल लाइन लवांगे। उस तों बाद क्योंकि जदों असीं बैफोकेट स्टेयर की फस्ट फ्लाइट नूं देखांगे तां जदों असीं सामने देखांगे तो फ्लाइट दे जिहड़े आ सानूं जिहड़े राइजर नज़र आउणगे। इत्थे खास जिहड़ा वो ध्यान देने वाली गल है, जिवें असीं प्लान दे विच ट्रैड जिहड़े आ वो बनाए सी, इत्थे किते ट्रैड नहीं बना देना, इत्थे राइजर बनाउणे आ क्योंकि राइजर का साइज जिहड़ा वो साडे कोल 18 इंच है और ट्रैड का साइज जिहड़ा वो राइजर का साइज जिहड़ा वो साडे कोल 18 सेंटीमीटर है और ट्रैड का साइज जिहड़ा वो 30 सेंटीमीटर है। इस करके असीं इस लाइन के उपर 18 सेंटीमीटर जगह छड के एक जिहड़ी आ लाइन लगावांगे। ये जिहड़ा साडा ड्रा होएगा ये राइजर होएगा, इस तरह 1, 2, 3, 4 ये सारे राइजर जिहड़े आ असीं ड्रा कर लवांगे अप टू जिहड़े आ लैंडिंग लैवल। जदों असीं लैंडिंग लैवल ते जावांगे ते साडियां फिर लैंडिंग लैवल तो बाद दोनों पासे जिहड़ियां साडियां दोनों फ्लाइट जिहड़ियां फ्लाइट नंबर 2 और फ्लाइट नंबर 3 जिहड़ियां वो शुरू होणगियां। फ्लाइट नंबर 2 दे विच डिस्कस करांगे। फ्लाइट नंबर 2 दे विच जिहड़ा साडा 11वां ट्रेड होएगा उतों असीं जिहड़े आ वर्टिकल प्रोजैक्शन लवांगे तो साडा जिहड़ा ये वाला स्टैप जिहड़ा वो बनेगा। इस तरह 18 सेंटीमीटर जगह छड के इस तरह ये प्रोजैक्शन और ये सारे वर्टिकल प्रोजैक्शन लैके असीं जिहड़े आ इहदे ट्रैड जिहड़े आ वो ड्रा कर लवांगे। ये अप टू साडे जिहड़े आ 17 जिहड़े आ वो ट्रैड हैगे आ और इहनां दे असीं वर्टिकल प्रोजैक्शन लैके ये सारे निशान ला के अपने ट्रैड जिहड़े आ वो ड्रा कर लवांगे। इस तरह फ्लाइट नंबर 3 विच भी 11 तो लैके 17 तक असीं ये सारे जिहड़े आ वर्टिकल प्रोजैक्शन लैके ये असीं जिहड़े आ ट्रैड वो ड्रा कर लवांगे। और इस तों बाद फिर की सीगा, जदों असीं ये राइजर लए आ और इहनां दे साडे कोल 17 ट्रैड सी, जे 17 ट्रैड आ ते राइजर किन्ने होणगे, क्योंकि हर एक फ्लाइट दे विच जिन्ने ट्रैड हुंदे आ राइजर उहदे नालों एक वध हुंदा। सो एक राइजर की वैल्यू किन्नी है 18 सेंटीमीटर, उस हिसाब नाल जिहड़े आ असीं इहदे निशान लगा लए। निशान किहड़े लगाए आ, राइजर नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 18। जिहड़ा 18वां साडा राइजर होएगा, जिहड़ी स्लैब होएगी ना फ्लोर की स्लैब, वो 18वें राइजर दे ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨੇਵਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਨੇਵਲ ਪੋਸਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਲਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨੇਵਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗਣਗੇ। ਨੇਵਲ ਪੋਸਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੈਫੋਕੇਟਰ ਸਟੇਅਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 2, ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਆ ਪੂਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 94 179 25 804 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।